जनपद के थाना आदमपुर पुलिस ने बीती 7 फरवरी को इलाके के गांव तरोली में हुई 38 लाख रुपए की चोरी की घटना में चौंकाने वाला खुलासा किया है। चोरी की इस वारदात में पुलिस ने गृह स्वामी की बेटी और उसके प्रेमी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई रकम में से 25 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार है। बता दें कि अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव तिरोली में बीते 7 फरवरी को दूध पनीर से कारोबारी राजेंद्र सिंह के घर से 38 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई थी। राजेंद्र सिंह की माने तो उसने अपना एक मकान बेचा था और उसको दूसरी जगह जमीन का बेनामा कराना था, जिसकी रकम उसने घर पर रखी थी, लेकिन उसके घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगा दी और उसके घर पर रखे और 38 लाख रुपए को चोर लेकर फरार हो गए। लाखों रुपए की चोरी की वारदात पुलिस के गले से नहीं उतर रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने राजेंद्र सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और गहनता से पूरे मामले की जांच में जुट गई, जिसके बाद पूरी तफ्तीश में खुलासा हुआ कि घर में हुई चोरी की वारदात किसी और ने नहीं बल्कि राजेंद्र सिंह की बेटी ने ही अंजाम दिलाई थी और उसके पीछे उसके प्रेमी कुलदीप का हाथ था। इस वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए राजेंद्र सिंह की बेटी सहित उसके प्रेमी कुलदीप और उनके 2 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और फरार साथी की तलाश कर रही है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आपका जो प्रेम प्रसंग कहानी है, क्या किस तरह से शुरुआत हुई? सर, जागरण से शुरुआत। क्या कर रहे हो? क्या करते थे? कौन से किस पार्टी का जागरण करते थे? माता रानी का जागरण। कब से आपके किस तरह इसके लड़की टच में आया? 11 जून को तरोली में जागरण था, उस दिन ही टच में आया था। तो कैसे आपके पास आपका नंबर कैसे पहुंचा? उधर तरोली में फ्लैक्सी लगी हुई थी, तो फ्लैक्सी पे नंबर डला हुआ था। फिर तो हम तो जागरण करके सुबह चले गए थे, उसके बाद इसकी कॉल आई सुबह 8:30 बजे। क्या बोली? तो उसने फ़ोन करा और बोली मैं तरोली से बोली हूँ स्वाति, और उसने बातें करनी शुरू कर दी। फिर दोनों की बातें होती। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं। इसके बाद किस मतलब जो पैसे की जो घटना घटी है वाली? पैसे की घटना, फिर किसने एक बार बोला था कि भाग के चलेंगे, तो मैंने मना कर दिया था एक बार, तो फिर दोबारा बोली, फिर मैंने भी कह दिया हाँ चलेंगे। उसके बाद इसने कहा कि हमारे मकान बिकेगा और उसके बाद चलेंगे। तो अब 1 तारीख के समथिंग में मकान बिका इनका, इसने मेरे को बताया, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, तो 5 तारीख को इसने पैसे दिए मुझे निकाल के। जहाँ आपको फोन करके बुलाया इसने? जी। तो किस समय पहुँचे आप? मैं 7:30 बजे के सुबह। नहीं, शाम को। इन्हें खुद घर से बाहर ला कर दिए? जी। तो कितने रुपये लेके लेके गए थे आप? 34 लाख रुपए। जी। बिका कितने का मकान? पता नहीं, 42 का बताया मेरे को। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या प्लान बनाया था? मैं तो यही, बस इसने कहा था कि होली बाद में आ जाऊँगी। उसके बाद में आपने जैसे जैसे पता चला कि किसके वो पैसे आपने किसे किसे दिए? पैसे थोड़े बहुत साइड में दे दिए थे, सीमेंट वाले को और ये तुम्हारा रोड़ी बदरपुर वाले को दे दिए थे। क्यों, मकान बना नहीं? मकान बना रहे थे? नहीं, वो एक मुर्गा फार्म बनाने। अच्छा, क्या क्या कहाँ तक पढ़े हो तुम? इंटर। इंटर। और ये लड़की कहाँ तक पढ़ी है? एम ए के हुए। अब जो आप तुम पुलिस की हिरासत में आए हो, कभी सोचा नहीं था क्या? मैं सर सोचा था, लेकिन किस्मत है, सोचा था किस्मत है सर। जी, इसमें 7 तारीख में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी अल सुबह कि एक व्यक्ति के घर से तकरीबन 38 लाख रुपए चोरी हो गए हैं, जिस पर कि पुलिस ने तत्काल एक्टिव हुए और टीमें लगाई गई हमारी तरफ से। इसका एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें कि 25.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसमें वादी की बेटी जो है, स्वयं उसके द्वारा ये पैसे एक अभियुक्त कुलदीप को दिए गए थे। कुलदीप और वादी की बिटिया में दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते इन्होंने घर से भागने की योजना बनाई। कुलदीप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जो वादी की बेटी है उसको अपने झांसे में लिया और ये पैसे उसके द्वारा 5 तारीख को, यानी कि घटना से एक दिन पहले ही सौंप दिए गए वादी की बेटी के द्वारा कुलदीप को। और 6 तारीख को इन सब के मिलकर वादी के घर में चोरी होने का ये ढोंग रचा और तब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल एक्टिव हुई और हमने मुखबिर के जरिए और सर्विलेंस के जरिए इस पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए 25.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। जैसा देखा गया था, वादी ने कहा था कि मेरे घर में डकैती हुई है और उसके बाद के बदमाश आए थे, तो किस तरीके से मोड़ने की कोशिश की पूरे केस को?
तो किस तरह की पहलों पर जांच की गई? जी, इसमें जो मौके मुआयना किया गया पुलिस अधिकारियों के द्वारा, उसमें वादी और जो चश्मदीद गवाह थे उनके द्वारा जो कहानी बताई गई वो थोड़ी संदेहास्पद हमें प्रतीत हुई, और उसके आधार पर हमने आगे धीरे धीरे इसमें काम करना शुरू किया। जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन सबसे जानकारी की गई, सर्विलेंस के जरिए जानकारी की गई। इसमें वादी के यहाँ आने जाने वाले व्यक्ति और उनके यहाँ काम करने वाले कई लोगों से पूछताछ की गई, उसमें हमें कुछ क्लू मिले जिसके आधार पर पुलिस ने आगे चलकर ये मामले का प्रकरण का खुलासा किया है और ये चोरी हुई रकम बरामद की। अच्छा सर, जो बेटी है बाकी की, क्या पढ़ी लिखी है? जो आरोपी है, जो उसका प्रेमी है, वो भी क्या पढ़ा लिखा है? हाँ जी, ये दोनों पढ़े लिखे हैं और तकरीबन 8 महीने से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है, और इसमें जो बेटी है उसी ने वादी के जो पैसे थे वो अपने प्रेमी को दिए, और कुछ पैसे उसने घर में बचा कर रखे थे जिसे कि वो जब भागती तो साथ में उपयोग करती आगे शादी के लिए, और अपनी मार्कशीट वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी उसने अपने प्रेमी को दे दिए थे जो कि बाद में शादी के दौरान काम आते। पुलिस ने ये सारी जानकारी एकत्रित कर साक्ष्यों के आधार पर इन सब की गिरफ्तारी की है। इसमें कुछ अभियुक्त अभी फरार हैं जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और आगे कार्यवाही की जाएगी। प्रेमी का प्रोफाइल क्या है? ये जो है एक पास के ही गांव का रहने वाला है, बुलंदशहर ज़िले का, और यह जो जागरण वगैरह होते हैं कीर्तन, उसमें गाना गाने का कार्य करता है। बताया जाता है कि जून जुलाई माह में इसका एक कार्यक्रम जो वादी है उसके गांव में हुआ था, जहां पर कि वादी की बेटी और ये अभियुक्त दोनों संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद इन दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ, फ़ोन पर बातचीत होने लगी, जिसके चलते इन दोनों ने मिलकर ये जब पता चला कि 38 लाख रुपए घर में आए हैं, इसने ये योजना बनाई सबने मिलकर और ये घटना को अंजाम दिया। इस पूरे लगभग कितने लोग साजिश थी, कितने लोग थे इसमें? जिस कुल पूरे प्रकरण में 5 लोग शामिल थे, जिसमें कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक अभी फरार है, उनकी तलाश चल रही है। पूरे प्रकरण का घटना का अनावरण कर रकम बरामद की गई है। इसमें ADG जोन महोदय की तरफ से पूरी टीम की पूरी प्रशंसा करते हुए 50,000 रुपये नकद पुरस्कार टीम को घोषणा की गई है, और ये अच्छा प्रशंसनीय कार्य हुआ है। 1 सप्ताह के भीतर ही पूरी घटना का खुलासा हुआ है। जो कुलदीप का जो प्रेमी है लड़की का, उसका लड़कों से क्या संबंध है, मतलब क्या दोस्त हैं क्या है? ये जो साथी हैं इनमें से एक इसका बहनोई है जो कि फरार है, 2 इसके दोस्त हैं। ये दोस्त और जो अभियुक्त कुलदीप है, यह लोग स्कॉर्पियो लेकर अपने गाँव से कई बार यहाँ पर गाँव में आए, और जो युवती है इनसे मुलाकात की इन्होंने, और घटना वाले दिन भी और उससे पूर्व के दिन भी ये तीनों मिलकर यहाँ आए थे, और स्कॉर्पियो गाड़ी जो ये उपयोग किए थे रकम लाने ले जाने में, उसको भी पुलिस ने बरामद किया है और उसमें आगे कार्यवाही की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।